भुज का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये ट्रेलर देखकर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन ये है। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। 1971 का वो युद्ध जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर उनके साथ खेला होबे कर दिया था और पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करा के उनके साथ पेला होबे कर दिया था, इसी बैकग्राउंड पर बनी फिल्म भुज का है ये ट्रेलर रिव्यू। ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। भुज के ट्रेलर का ये डायलॉग आपको ये बताने के लिए काफी है कि बहुत दिनों के बाद ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म आने वाली है जिसको देखकर आपको सनी देओल की याद आ जाएगी। लाशें भिजा दूंगा लाशें, मतलब हो सकता है मेरी एक्टिंग और फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग भले ही एक जैसी हो, पर फिल्म भुज का ट्रेलर टिका हुआ है तीन हीरोज और उनकी जबरदस्त एक्टिंग पर, अजय देवगन, संजय दत्त और शरद केलकर। अजय देवगन का ओपनिंग डायलॉग, मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मरना या मारना। एक बार को तो उनकी लास्ट फिल्म तानाजी की याद दिलाता है, पर इस बार वो बने हैं स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक। अजय देवगन का वैसे ये डायलॉग बहुत जरूरी था क्योंकि ट्रेलर में उनके पहले शॉट देखकर एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि वो पान मसाला चबाने वाले कानपुर के रहने वाले तो नहीं बने, बोलो जुबान केसरी पिच। पर नहीं, उस शॉट में खून का रंग लाल है और एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में अजय देवगन कमाल है। ट्रेलर के एक शॉट में उन्होंने जो किक मार के लालटेन फोड़ी है उसको देखकर मेसी और रोनाल्डो भी फीके पड़ रहे हैं भाई। मेरे मरने का मातम मत करना क्योंकि मैंने खुद ये शहादत चुनी है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ट्रेलर के लास्ट में अजय देवगन का ये डायलॉग रोंगटे खड़े कर देता है और कोरोना के नाम पर बॉलीवुड जो लगातार ओटीटी पर कूड़ा बेच रहा था, बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि काश ये फिल्म मूवी हॉल में देखने को मिलती। संजय दत्त भी ट्रेलर में गजब लग रहे हैं। ट्रेलर में अपने पहले सीन में भले ही वो कबूतर के साथ हो पर उनका रोल पीसफुल नहीं है। ट्रेलर की अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन पर फोकस नहीं लग रही और फिल्म के बाकी जो एक्टर्स हैं उन पर भी अच्छा खासा वेट डालने वाले डायलॉग्स उनके हिस्से में आए हैं। फिल्म के तीसरे हीरो शरद केलकर के हिस्से में भी बहुत बढ़िया सीन्स आए लगते हैं। स्टार्टिंग सीन में वो बॉक्सर बनकर पाकिस्तान के किसी प्लेयर को मुक्का मार रहे हैं और फिर इंडियन आर्मी के जवान के रोल में भी वो फुल जम रहे हैं। मतलब ये जो रोल इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि अरविंद बनकर जो फैमिली मैन में उन्होंने गंदी बात की थी उसके लिए व्यूअर्स उन्हें माफ कर देंगे। बहरहाल, अगर फिल्म में इनका रोल बड़ा है तो मैं अभी से फिल्म को एक एक्स्ट्रा स्टार देने के लिए तैयार हूं क्योंकि इट वॉज अबाउट टाइम के इतनी बढ़िया एक्टिंग करने वाले को बॉलीवुड अपनी फिल्मों में एक्स्ट्रा इज्जत दे। हीरोइंस की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा वैसे अपने रोल में मुझे तो ठीक ही लग रही हैं। अब एक्टिंग में कमी है तो है पर रोल में तो बढ़िया लग रही हैं। चाकू से तेंदुआ भगा दिया भाई सोनाक्षी सिन्हा ने, मतलब ये काम तो जॉन सिन्हा भी नहीं कर पाए रेसलिंग में। फिल्म में नोरा फतेही भी हैं, आपको लगा होगा क्योंकि भुज में गुजरात में बहुत गर्मी होती है तो हाय गर्मी की वजह से इन्हें ले लिया होगा। नहीं भैया, फिल्म में रोल भी है उनका और डायलॉग भी है। या खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं हिंदुस्तान को सलामत रखना। मतलब आप सोचो कि फिल्म में कितनी देशभक्ति वाली बात है कि नोरा फतेही से भी डायरेक्टर साहब ने ये डायलॉग बुलवा लिया। बाकी फिल्म के एक सीन में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी एक झलक है और भले ही फिल्म में जो लड़ाकू विमान वाले सीन्स है उसमें VFX थोड़ा सा कमजोर लग रहा है पर फिल्म में तो जान नजर आ रही है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक दुधैया जिनकी ये पहली फिल्म है। बस दुधैया साहब दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे वाला डायलॉग सनी देओल से भी बुलवा लेते तो ट्रेलर देखकर ही मैं फिल्म को 5 स्टार दे देता। डिज्नी हॉटस्टार पर यह फिल्म रिलीज हो रही है 13 अगस्त को और इंडिपेंडेंस डे का यह गिफ्ट ट्रेलर में तो बढ़िया लग रहा है। भुज एयरफील्ड रिपेयर करने के साथ साथ अजय देवगन बॉलीवुड की रेपुटेशन कितना रिपेयर कर पाते हैं यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अगर आपको ये ट्रेलर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के लिए 2 शब्द लिख देना और अगर ये ट्रेलर रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे दिल की बात, सनी देओल को वापस लाओ जरूर लिख देना। मेरा नाम है चैनल सोगी और अनकट पर आपको ये रिव्यू अगर पसंद आया तो प्यार से ये वीडियो लाइक और शेयर कर दो और नहीं पसंद आया तो गुस्से से नफरत से ही सही पर लाइक और शेयर फिर भी कर देना। देखते रहिए अनकट।